तो मस्त डोसा वोसा खा लिया, आलू परांठा खा लिया, बनाना वो रोटी देखती बनते हुए। तो अब चलते हैं सी वर्ल्ड। बड़ा पुराना सा नहीं लग रहा दिखने में? से ऐसे बहुत पुराना सा टाउन हो। देखो मजे की बात, देखो सब घरों की खिड़कियां पूरी बंद है ग्रिल से। कमाल है, कैदी वाला मामला है ना। सी वर्ल्ड, ये देख लो सी वर्ल्ड। तो ये पहुंच गया मैं सी वर्ल्ड। ये नानसान एरिया के अंदर है और यहाँ का जो सबसे जो बड़ा अट्रैक्शन है, सामने जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एक शिप लगा हुआ है, खड़ा है यहाँ पे। इस शिप का नाम है मिनहुआ, मिनहुआ या मिनहुआ। ये पुराना कोई वर्किंग शिप था, बाद में लाके यहाँ खड़ा कर दिया। तो इस शिप के अंदर लग्जरी होटल्स वगैरह हैं, आप आ के खा सकते हैं। और बाहर इसके काफ़ी सारे चाइनीज़ और जैपनीज रेस्टोरेंट्स हैं। और लगभग शाम को 7 बजे के आसपास में यहाँ वही सेम जो क्या बोलते म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है। तो यहाँ मैं पहुँच चुका और अभी जुबेर भाई भी आने वाले हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। तब तक मैं यहाँ का चक्कर निकाल लेता हूँ और आपका सारा लोकेशन दिखाता हूँ। तो यह है सी वर्ल्ड नानसान एरिया के अंदर। पहुंच गया सी वर्ल्ड, देख लो क्या लंबा चौड़ा जहाज खड़ा हुआ है। अरे ये यहाँ से ख़त्म हुआ है यार, एकदम जाके पीछे मतलब वहाँ तक। तो दोस्तों इनका बोला था मैं जाकिर भाई, जुहेर भाई, या यही वो बंदा है। अगर उस दिन नहीं होता ना भाई, या भाई आपका सड़क को सो रहा होता। नहीं नहीं बिल्कुल यार, मतलब कहानी में बाद में सुनाऊंगा। तो जुहेर भाई आ गए और अब हम लोग फोड़ेंगे सी वर्ल्ड का। बोलो जुहेर भाई कुछ। हेलो एवरीवन। तो शर्मिले हैं, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। ये खुद भी ब्लॉगर है वैसे, लेकिन बनाते नहीं है ऐसा। कैमरा देख के नर्वस हो जाता है।
मस्त बंदे यार, मतलब कहाँ चाइना में मिल गया पता नहीं था। और दूसरे नेटिव हैं दिल्ली के, यहाँ से देखो यार। अब जैसे जैसे यहाँ सूरज ढल रहा है और अंधेरा होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे देखो अचानक सब क्राउड बढ़ने लगा। अचानक से मैं जब आया था तब यहाँ क्राउड नहीं था, लेकिन अब जैसे शाम होने लगी ना तो क्राउड चारों साइड से बढ़ने लग गया। क्योंकि एग्जैक्ट 7 बजे यहाँ पे एक बहुत क्लासिक म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। और अगेन ये भी यहाँ पे एकदम फ्री है, सी वर्ल्ड की एंट्री फ्री है, मतलब सी वर्ल्ड का जो एरिया है इसकी एंट्री फ्री है, ये जो थीम आपका चलता है म्यूजिकल शो इसकी भी एंट्री फ्री है। यहाँ से तकरीबन 30 मिनट का रास्ता है बुलेट ट्रेन से, 30 मिनट का रास्ता है यहाँ से। अच्छा, 30-35 मिनट का रास्ता कोंगली विलेज, ऐसे कैसे? जी तो बज गए, कितने बज गए? 6:30 बज गए। पौना घंटा बोला ना लोगों ने, ये बोला वीडियो में आधा पौन घंटा, 30-45 मिनट का रास्ता। हम कहाँ हैं? यार खान संघाई बीजिंग में होगा फिर जाता हूँ। अभी हम लोग हैं सी वर्ल्ड, एक्चुअली मतलब एक बड़ा बहुत बड़ा मॉल है, एक पुराना सा शिप खड़ा कर रखा है, यही है। बाकी जो क्राउड है ना वो देखा है क्या, मैंने ऐसा भाई साथ में हो ना तो पूछो मत। बीजी देखो, भाई बीजी है अभी। तो कल चलेंगे साइंस म्यूजियम, कल कहाँ चलेंगे? कल चलेंगे साइंस म्यूजियम और ओसीपी पार्क, तो दो ही हो पाएंगे। बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब यार एक दिन में एक ही हो पाता है। वंडर वो विंडो ऑफ द वर्ल्ड में भी तकरीबन मेरे को 6-7 घंटे लग गए थे, लेकिन फुल टू मज़ा आ गया। टिकट्स वीडियो भेजना मेरे को अभी गुरु जी, वीडियो भेजना बिल्कुल। हाँ यार टिकट्स भी भाई मस्त है, 220 RMB, 300 RMB, सब जगह मतलब जहाँ भी जाओगे ना। Thank you.
लगभग 5 से 8 मिनट का ये शो था, शानदार था। लेकिन यार वही यूट्यूब में कॉपीराइट का पंगा, इसलिए म्यूजिक हटाना पड़ेगा मेरे को। बाकी अच्छा था, अब दुबई का दिखा हुआ है तो दुबई के लेकिन सुंदर, लेकिन अच्छा था, गुड इनफ। और ये इसके बाहर का एरिया, यहाँ पे बस वही बच्चों के लिए झूले और इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं। आप आइए यहाँ पे, ऐश कीजिए, पैसा खर्च कीजिए और जाइए घर को अपने। तो बस अब हम लोग भी इसका राउंड लगा के खाना खाना जाएंगे। और कैसा लगा भाई बताना। चलो दोस्तों ख़त्म करते हैं यहाँ पे ये वीडियो, और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए शेनचिन एरिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।